है, तो जो एक कराटे प्लेयर होता है वो क्या करता है, एक पाइल ऑफ टाइल्स जो रहती है, स्लैब्स रखे हुए रहते हैं इतने सारे, उसको धड़ करके तोड़ता है, यू कैसे तोड़ता है, यू कि ऐसे तोड़ता है, आज तोड़ूंगा तोड़ूंगा तोड़ूंगा, नहीं ऐसे करके तोड़ता है, फटाफट तोड़ता है, ठीक है ना। क्यों? बिकॉज हम लोगों ने पढ़ा था क्या कि जो फोर्स होता है वो टाइम के इनवर्सली प्रपोर्शनल होता है। फोर्स टाइम के इनवर्सली प्रपोर्शनल होता है, इसका मतलब क्या हुआ कि टाइम कम तो फोर्स ज्यादा और टाइम ज्यादा तो फोर्स कम। कम याद करो कल हम लोग बोलते अगर 50 से उठूंगा फोर्स आता है, और अपने टाइम 1 सेकंड से बढ़ा दिया तो वो फोर्स 25 बिल्कुल वाला क्या हो हो जाएगा, जाएगा। हाफ हो जाएगा। तो टाइम क्या, अगर वही बात आप सोचो कि आप 25 न्यूटन का फोर्स लगा रहे हो 2 सेकंड में, यानी कि उस टाइम को रिड्यूस करके आप क्या करो 1 सेकंड कर दोगे, तो सीधे फोर्स क्या हो जाएगा, डबल हो जाएगा, तो वो पाइल ऑफ टाइल्स क्या हो जाएगी, इजिली टूट जाएगी। आई बात समझ में? ठीक है, तो इसलिए कराटे प्लेयर जो रहता है वो जो पाइल ऑफ टाइल्स को जब ब्रेक करता है तो वो बहुत फास्ट तोड़ता है, बिकॉज क्या होगा उससे फोर्स ज्यादा लगेगा जब टाइम कम होगा। जब टाइम कम होगा। सिमिलरली व्हाई डज अ क्रिकेट प्लेयर लोअर्स हिज हैंड व्हाइल कैचिंग अ बॉल? जो एक क्रिकेट प्लेयर होता है जब वो बॉल कैच करता है, तब तुमने ध्यान दिया वो ऐसे करके करता है ऐसे, ठीक है ना, तो वो ऐसे करके बॉल क्यों कैच करता है, ऊपर ही कैच करके छुट्टी करे ना, ताकि हवाबाजी है 2 रुपए की, नहीं हवाबाजी नहीं होती। जब बैट्समैन बॉल को मारता है तो बॉल बहुत तेज स्पीड पे आती, प्लेयर के हाथ में आने के बाद उस उछल बॉल की उछल के स्पीड निकल जाती है। एकदम कितनी हो जाएगी, जीरो। तो यहाँ पर बहुत अच्छा, बॉल हैवी भी रहती है उनकी, और तो उछल पहली जाती है बात कहाँ से? बॉल खुद हैवी है मास, दूसरी बात उसकी जो इनिशियल वेलोसिटी है वो बहुत ज्यादा है, मतलब उसका इनिशियल मोमेंटम बहुत ज्यादा होगा, उसका फाइनल वेलोसिटी ऑल ऑफ अ सडन जीरो हो जाती है, यानी कि चेंज इन मोमेंटम क्या आएगा, बहुत ज्यादा। ऐसे में उसके हाथ पे जो फोर्स लगेगा वो भी क्या होगा, बहुत ज्यादा। अब इस फोर्स को कम करने का कितने तरीके हैं, एक आप चेंज इन मोमेंटम को तो चेंज नहीं कर सकते, बैट्समैन जितनी जोर से मारेगा उतनी जोर से तो वो मारेगा ही, आप क्या कर सकते हो टाइम बढ़ाकर, आप क्या कर सकते हो टाइम बढ़ाकर फोर्स को कम कर सकते हो। ओके, सो दैट इज व्हाई अ क्रिकेट प्लेयर लोअर्स हिज हैंड व्हाइल कैचिंग अ बॉल। क्या यहाँ तक सबको क्लियर रहता है, या कोई हाई जंपर रहता है, जब भी कोई लॉन्ग जंपर या हाई जंपर रहता है वो कैसे कूदता है, ऐसे करके कूदता है, पहले वो ऊपर जाता है फिर ग्रेविटी के कारण वो नीचे आता है, तो उसकी स्पीड क्या होती है, बढ़ती जाती है, लेकिन एकदम ग्राउंड को स्ट्राइक करके उसकी स्पीड क्या हो सकती है, जीरो हो सकती है, खत्म हो सकती है। ऐसे में चेंज इन मोमेंटम क्योंकि बहुत ज्यादा होगा तो स्पीड भी क्या होगी, बहुत ज्यादा, और स्पीड बहुत ज्यादा होगी और चेंज इन मोमेंटम बहुत ज्यादा होगा तो उस पे फोर्स भी क्या लगेगा, ज्यादा। फोर्स क्या लगेगा, फोर्स चेंज इन मोमेंटम ज्यादा तो फोर्स ज्यादा। तो क्या करते हैं हम लोग, जब कुशन लगा देते हैं या सैंड लगा देते हैं, तो जब बंदा गिरता है तो एकदम धरती पे आके स्टॉप नहीं होता है, सैंड उसको क्या करती है थोड़ा सा आगे पुश कर देती है, जब उसका पुश होता है तो वो धीरे धीरे अपनी वेलोसिटी क्या करता है, चेंज करता है, मानो उसकी वेलोसिटी 20 होगी तो 20 से पहले क्या होगी, 10 आएगी, फिर 5 आएगी, फिर 3 आएगी, फिर 2 आएगी, फिर वो रुकता है अगर ध्यान दिया हो तो, और अगर धड़ करके रुक गया कूद के, तो उसको इंजरी बहुत ज्यादा हो सकती है। इज इट क्लियर टू एवरीवन?